सतना से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। मुस्लिम युवक के खिलाफ महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रेम जाल में फंसाकर महिला का धर्म परिवर्तन कराया गया था। पीड़ित महिला की 13 साल की बेटी भी है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, प्रेम जाल में फंसाकर महिला का धर्म परिवर्तन करवाया गया था। महिला की एक 13 साल की बेटी भी है। पीड़ित महिला की 13 साल की बेटी भी बताई जा रही है। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर और काफी अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 के तहत ये पहला मामला दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ वेंकटेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, पहला मामला ये दर्ज किया गया है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के सतना जिले का ये पहला मामला है जहां पर कि लव जिहाद को लेकर के मध्य प्रदेश स्वतंत्र अधिनियम के तहत ये पहला मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कि एक टिहुड़िया टोला निवासी एक महिला ने इस बात की शिकायत दर्ज करवाई है कुलगांव थाने में कि उसके साथ धर्म परिवर्तन करवाकर उसको अपने साथ रखा गया है। ये मोहम्मद रफीक जो कि आरोपी है, इसको गिरफ्तार किया है कुलगांव थाना पुलिस ने। और ये 15 वर्ष पुराना मामला है जिसमें कि अब ये पोल खुली है, जिस पर कि युवक ने नाम परिवर्तन करके उसको अपने आप को मोहम्मद रफीक है, उसने अपने आप को कोई कुशवाहा के नाम से बता करके उस महिला को अपने साथ रखा। और जब उस महिला को ये पता चला ये कुशवाहा नहीं है, तो उसके बाद फिर उसने इस बात पर आपत्ति जताई, लेकिन उसे जान से मारने की धमकी दी गई। तो पिछले एक वर्ष से वो इस महिला इस युवक से संघर्ष कर रही थी और कल कुलगांव थाने में जाकर इस मामले की शिकायत दर्ज की है। और इस पर ये पहला मामला है जिसमें कि मध्य प्रदेश स्वतंत्र अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और इस पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी,